हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा आजादी का उत्सव स्वतंत्रता दिवस। कल अंतिम रिहर्सल संपन्न। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के कार्यक्रमों का अंतिम रिहर्सल शुक्रवार को आदर्श स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू ने संबंधित अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण पालना के साथ समुचित व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य समारोह के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का बारीकी से अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने मुख्य समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी आगंतुकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कार्यक्रम स्तर पर थर्मल स्कैनिंग तथा हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अंतिम अभ्यास के पश्चात स्टेडियम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आदर्श स्टेडियम में बैरिकेडिंग, सफाई, बैठक, पेयजल, मंच की सजावट सहित सभी व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बिजली की पुख्ता व्यवस्था के साथ माइक की सुचारू व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण करेंगे तथा मार्च पास की सलामी लेंगे। इसके पश्चात परेड कमांडर SI भवरा राम के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, अर्बन होम गार्ड एवं NCC सीनियर की टुकड़ियां परेड में हिस्सा लेगी। मार्च पास के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा महामहिम राज्यपाल के संदेश का पाठन किया जाएगा। इसी कड़ी में पुलिस विभाग के बैरन दल द्वारा बैरन वादन की प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि द्वारा उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करने के पश्चात जिले के शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। इसी कड़ी विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों में विशेष योगदान देने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार स्वरूप पवार एवं बिहारी पवार तथा दिव्यांग बाल कलाकार स्वरूप माहेश्वरी द्वारा देशभक्त गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री अनवर खां और फकीरा खां भादरेश द्वारा लोक गीत की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद फकीरा खां विशाला और दीप सिंह भाटी द्वारा कोरोना जागरूकता पर लोक गीत प्रस्तुत किया जाएगा। इसी कड़ी में जिले के प्रसिद्ध गैर दलों की ओर से आकर्षक गैर नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा तैयार झांकियों का प्रदर्शन होगा। समारोह के अंत में राष्ट्रगान होगा। अंतिम रिहर्सल के दौरान अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, नगर परिषद आयुक्त दिलीप कुमार पुनिया, तहसीलदार बाड़मेर प्रेम सिंह चौधरी, राम कुमार जोशी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अंतिम रिहर्सल के दौरान कार्यक्रम का संचालन सह आचार्य मुकेश पचौरिया ने किया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।